ज्योतिराज सिंधिया जी, एक भी किसान का कर्ज आपने 3.5 साल की लूट की सरकार बनी फिर माफ नहीं किया, सही है गलत? फिर दूसरी उन्होंने बात कही थी अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक को लेके कि इनके साथ न्याय नहीं होगा तो हम सड़क पे आ जाएंगे, सरकार को सड़क पे ला दी। आज 3.5 साल पूरे हो गए, 2-3 दिन में आचार संहिता लेके आएगी। अतिथि वो सारे विधायकों को ले गए, उनको मंत्री बनवा दिया, सबको 50-50 करोड़ रुपए की बातें भी पूरे प्रदेश ने देख ली, खुद भी केंद्र में मोदी जी के साथ मंत्री बन गए। अब नया चुनाव लड़ने की तैयारी भी चल रही है, पर अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक वो अभी अपनी बात कहेंगे। जरा ये ऊपर आके कहो दीदी, आ जाओ मत, हम आएंगे अब, आ जाओ आ जाओ, बड़ी बहन हो हमारी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ दीदी, आ जाओ आ जाओ। ये अतिथि विद्वान के प्रतिनिधि के रूप में हमारी बहन है शिक्षक, अतिथि शिक्षक अपनी बात कहेंगे। श्रीमती अर्चना गुप्ता इछावर मॉडल एक्सीलेंस स्कूल से वर्ग 2 की शिक्षिका हूँ। इंग्लिश के पद पर पहले हम लोगों को ये बोला गया था कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा, तो हम सालों तक इसी तरीके से रहे, कभी कोई सरकार आती कभी कुछ भी बोला जाता कि नियमित किया जाएगा, लेकिन इस वर्ष मामा जी ने खुद ही बुलाया और बोला कि हम आप लोगों को नियमित तो नहीं कर सकते पर 1 साल के लिए नियमितीकरण करेंगे। तो अब जब आपने बोल दिया था 1 साल के लिए, तो अभी हम लोगों के स्कूल में हो रहा है कि अधिकतर अतिथि शिक्षक निकाले जा रहे हैं। आप नियमित नहीं कर सकते थे तो कम से कम 1 वर्ष के लिए तो रखते, और उसके अलावा जैसे बीच में सत्र शुरू होता है अप्रैल में, यदि आप किसी शिक्षक को निकालना है तो आप उसको अप्रैल में निकालिए। अब ये अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर, अब सारे अतिथि शिक्षक कहाँ जाएंगे? आप खुद ही सोचिए। इस तरीके से ये बोलना, मंच पर आकर के बोलना और अपनी बात से पलटना, ये तो गलत है ना। आप लोगों को मतलब मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन जो बात कही गई है कि आप नियमितीकरण का आपने पहले बोला, चलो उन्होंने उस चीज का स्पष्टीकरण ये नहीं कहा था कि हम नियमित करेंगे, ये बात तो उन्होंने बोली थी कि नियमितीकरण तो नहीं हो सकता लेकिन आपके लिए अच्छा करेंगे। आपने जब 1 वर्ष के लिए बोला तो आपने हम लोग को अभी बोला, आपने सितंबर में और ये अक्टूबर आया और आप लोग हमें अभी से ही निकालने लगे। लगभग हमारे यहाँ से सभी अतिथि निकल रहे हैं धीरे धीरे, अब हम लोग कहाँ जाए आप बताइए कहाँ जाए। इस सत्र में देखिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी को निकालता है किसी भी व्यवसाय में हो तो उससे सबसे पहले उसको एक नोटिस देता है 1 महीने पहले कि आपको वहाँ जाना है, और 20 सत्र में तो निकालता ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले भी 20 सत्र में किसी को नहीं निकालते, यदि उसने कुछ अवहेलना की होती है तब निकाला जाता है, लेकिन ये बीच में निकालने वाली कौन सी बात हुई? और कहाँ जाए हम, किसी का तो घर इसी से पल रहा है, कुछ लोग फिर भी सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग तो घर इसी से चला रहे हैं, तो बताइए कहाँ जाए। रोड पे कब उतरेंगे? बहुत बढ़िया सवाल ये है। सारे वीडियो चालू करो, जरा धीरे रुको, सारे वीडियो बनाओ और निकालो मोबाइल, जिसके जिसके भी हो। दीदी आप खड़ी रहो, डरो मत, आपकी रक्षा करना मेरी जो ड्यूटी है, मेरी बहन, एक मिनट में आप ही की बात कर रहा हूँ। बात यह है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता एक राजनीतिक मंच पर 50-60-70 ये अतिथि शिक्षक आए हैं, ये पूरे प्रदेश में इनकी संख्या हजारों में है। जब 70,000 जब हमारी सरकार गिरी थी तो अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों का मुद्दा था, शिवराज जी के जहन में भी था, ज्योतिराज सिंधिया जी, इन दोनों ने मिलकर सरकार गिराई थी और इनकी बात कही थी। तो मेरा अनुरोध यह है शिवराज जी आपसे कि आप झूठ तो बोलते हो, ये तो सबको पता है, और झूठ इतना अद्भुत बोलते हो और कल्पनी बोलते हो ये भी सबको पता है, पर आपने शिवराज जी में सीहोर जिले आपके खुद के जिले में हूँ अभी, तो यहाँ पर ये बहन मंच पर आकर अपनी वेदना बता रही है, तो आप दर्द को जानो समझो और इसमें राजनीतिक कुट भी मत लेके आओ। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इनकी जो आपने वादा किया जिसके लिए आपने सरकार गिराई, आप इनकी मदद करो, अभी आचार संहिता नहीं लगी है, आप आचार संहिता के पहले आप करो, ये सब आपको दुआएं देंगे, शायद उससे आपका फिर भला हो जाए, जो बीजेपी में आपके खिलाफ माहौल बना है थोड़ा कम हो जाए। मैं मानता हूँ कि मेरी बहन ने जो बात कही ये दर्द एक परिवार का उस एक व्यक्ति का है जो अपने पूरे जीवन का, कितने साल हो गए दीदी आपको, कितनी यूं बोलो, 12 साल जिंदगी के, आपको 20 साल मुख्यमंत्री, 18 साल ये भी 12 साल से अपने बच्चों और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए एक रास्ता चुना, कैरियर चुना,
और वो भी देश सेवा की। तो इसमें आपको इनकी मदद करनी चाहिए। मैं आपसे दीदी इस भावना को, हमारी जब सरकार बनेगी तो हम वचन पत्र में आपकी बात पूरी लेंगे। और मैं फिर से, जब हम बने थे, जब भी ये बात आई थी अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों, हमारे को 1.5 साल मिला जिसमें हमने कोशिश की, हमने नए रिक्रूटमेंट किए, उसका भी नाराजगी थी पर वो भी जरूरी थे। अब उसके बाद आपको भी कैसे रिकग्नाइज करें, इसकी प्रोसेस चल रही थी और उसके बीच में जो लूट हुई, एकदम से घर में घुसे और विधायक उठा ले गए और यही सीओर में रखे, फिर हम यहाँ भी आए, फिर यहाँ से वहाँ राज्य हरियाणा गए, वहां से बेंगलोर गए, फिर वहां भी लड़ाई की और लूट हो चुकी और लुटेरा पेड़ गए खजाने के ऊपर। तो ध्यान रखना, फिर से आएगी सरकार। और मेरी बहन का, मेरे भाइयों का, 70,000 अतिथि शिक्षकों का जो भावना है, उसका हम पूरी पूरा 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 ध्यान रखेंगे। भारत माता की। आखिरी मेरी बहन और भी कुछ कहना चाहती है। देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी, आपकी सरकार 1 साल बाद आई, 6 महीने बाद आई, हम लोग तो अभी अट रहे हैं ना, अभी 2 दिन में क्या आज ही आदेश आ जाएगा? आप जब कुछ करेंगे, जब हम मानेंगे कि आपने हम लोग को रोका। ये शिवराज जी, ध्यान रखो, आज ही हटना है, ये हटाना मत, नहीं तो फिर ये सब मिलके आपको हटा देंगे। ध्यान देंगे। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा बुधवार को सीहोर के चौपाल सागर से शुरू हुई। इस उत्सवी अवसर पर आष्टा विधानसभा और इच्छावर में कांग्रेस के प्रमुख नेता जीतू पटवारी ने अपने नेतृत्व का प्रदर्शन किया। यात्रा के दौरान जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अपने साथ जोड़ लिया और उन्होंने अपने भाषण में उन्हें अतिथि शिक्षकों के मुद्दे की याद दिलाई। इसी दौरान एक महिला अतिथि शिक्षक ने भी जीतू पटवारी की सभा में अपना संबोधन दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह यात्रा जनता के मुद्दों को सुनने और समझने का एक महत्वपूर्ण मंच है। अरे भैया, ये मुख्यमंत्री जी वहां पूछ गया है, लोग लड़ू के लिए लड़ू 20 साल बाद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने के लिए लड़ा है। अच्छा, ये लड़ाई आता हरेगा कि नहीं हरेगा? सवाल पूछो दूसरा है। अरे यही खड़ा रहना है, आपको बिगाड़ना। कैलाश विजयवर्गीय जी रोज एक नया बयान देते, कभी कहते थे मैं हेलीकॉप्टर में घूमना चाहता था और घूमने लग गया 3-3 मोटरसाइकिल, फिर कहता था मैं गली गली में चल जाऊंगा क्या मैं बढ़ा लेता हूँ, अब गली गली में भी जा रहा है। तो वो कब क्या कैसे कब बोलते हैं उनको पता नहीं होता है, मैं उनके लिए वो टिप्पणी नहीं करना चाहता। बीजेपी ने सांसदों को उतार दिया मैदान में, बता दिया। मैंने कहा कैलाश विजयवर्गीय जी जो बोलेंगे उसका सारे का जवाब देना हमारा मतलब दायित्व भी नहीं और देना उचित भी नहीं। ओबीसी को लेकर जो बिहार में हुआ तो एमपी में ओबीसी की कितनी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? ओबीसी की बात जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं मानता हूँ कि एसटीएससी ओबीसी परिवार के लोग जनगणना के आधार पर 5% कैबिनेट पे बजट में उनका हिस्सा होता है, वो खर्च कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको इनको समानता का अधिकार जो है इस प्रदेश में तो मिलना चाहिए। जनगणना कार्य को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना मत स्पष्ट। जीतू पटवारी ने अपने भाषण में कहा कि आजकल की शिवराज सरकार से हर वर्ग परेशान है और बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस की ओर से एक सुनामी में बह जाएंगे। उन्होंने सीएम के भावुक बयानों को लेकर कहा कि सत्ता को इतने साल तक निभाने के बाद छोड़ने का दर्द तो होता ही है। उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि देश में सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो गरीब हों, शोषित हों या किसी अन्य वर्ग से हों। उन्होंने समाज में जातिगत और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अपनी समर्थन दिया और सामाजिक समानता के महत्वपूर्ण मुद्दे को उज्जैन और सीहोर के लोगों के सामने रखा। वह यह साबित करते हैं कि वे राजनीति को जन की सेवा के लिए अपनाते हैं और समाज में समानता और न्याय के लिए लड़ रहे हैं।